नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभेंदु शुक्ला। सीमित जानकारी और जागरूकता के अभाव में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के तमाम लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं और उन्हें निराशा हाथ लगती है, जबकि सरकार द्वारा लोक सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं जिनमें तमाम योजनाओं का लाभ उनके माध्यम से मिल सकता है और जानकारी भी मिल सकती है। सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी दफ्तरों की सेवाओं को समय सीमा में देने के लिए लोक सेवा केंद्रों का संचालन कर रही है। हर तहसील में खोले गए ये सेवा केंद्र दर्जनों विभागों की 322 सेवाओं को संचालित कर रहे हैं। इन लोक सेवा केंद्रों पर एक ही खिड़की पर आवेदन करने से कई योजनाओं और सेवाओं का लाभ आवेदक को निर्धारित समय सीमा में मिलता है। छतरपुर के लोक सेवा केंद्र संचालक कृष्णकांत अर्जरिया ने बताया कि यहां राजस्व, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन, परिवहन, नगर पालिका, तकनीकी शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय जैसे दर्जनों विभागों में संचालित हो रही 322 सेवाओं के लिए महज 35 रुपए की फीस पर आवेदन लिए जाते हैं। आवेदन देने के बाद आवेदक को निर्धारित समय सीमा में विभाग अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इस कार्यालय से गरीबी रेखा के राशन कार्ड, FIR की प्रतिलिपि, खसरा खतौनी की प्रतिलिपि, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाने जैसी सेवाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होकर लोक सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ लेना चाहिए। यहाँ पर 322 सेवाएं दी जाती हैं जो अपनी लोक सेवा अधिनियम के तहत हैं, अधिसूचित हैं सेवाएं, और इसमें से 60 सेवाएं ऐसी हैं जो सेम डे दी जाती हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें से मेन है आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण पत्र, और भी काफ़ी सेवाएं हैं इसकी हम लोग सूची अपने लोक सेवा केंद्र में लगाए हुए हैं। भाई साहब, अगर किसी को कुछ सेवा की लाभ चाहिए है, कुछ जानकारी चाहिए, तो किस प्रकार आवेदन करें? आवेदन वो लोक सेवा केंद्र में आएगा तो हमारे यहाँ एक हेल्प डेस्क खोले हुए हैं हम लोग, हेल्प डेस्क पे आप माने उससे जानकारी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आवेदन यदि मान लो लगाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी हेल्प डेस्क वाला उसको हेल्प करता है। आवेदन क्या कहाँ से मिलता है? आवेदन लोक सेवा केंद्र से मिल जाएगा उसको, आय निवास का रहता है, कुछ आवेदन ऐसे रहते हैं उनको अपन लोग ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। आवेदक को आवेदन कहाँ से प्राप्त होता है? लोक सेवा केंद्र से, निःशुल्क होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद उसको फार्म माने उसको फिलअप करके वो मेरे यहाँ आवेदन लगा देगा वो, तो उसको यदि सेम डे का होगा तो सेम डे में मिल जाएगा। यदि मान लीजिए उसका जैसे आय प्रमाण पत्र की जगह जाति प्रमाण पत्र हुआ या कुछ नामांतरण भी हुआ, भू अधिकार ऋण पुस्तिका हुई, तो उसमें टाइमिंग लिख के आ जाती है, निश्चित समय सीमा रहती है इसकी हम लोगों की कि इस समय सीमा में मिल ही जाएगा आपको। आवेदन भरने के बाद रसीद कितने की? उसके हर की अलग अलग रहती है, वैसे इसमें 90% 35 रुपीज़ की रहती है।